हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों आज के लिए जो हमारे लिए टॉपिक है वो है वेव। अब हम लोग 12th के सिलेबस को कंप्लीट करके वापस 11th के सिलेबस पे आ गए हैं, जो पीछे की तरफ से चलेंगे, क्योंकि अक्सर ये जो टॉपिक्स होता है वो स्कूलों में कोचिंगों में छूट गया रहता है, तो इससे पहले करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। बाकी सारी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, लेकिन एक नए सत्र में नए सिरे से सब काम किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अ विस्लर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज इज अप्रोचिंग अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट ए स्पीड ऑफ 33 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज। यानी एक सीटी बजाने वाला 450 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि करते हुए 33 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से स्थिर श्रोता की ओर जा रहा है। ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है, तो श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्ति होगी। तो दोस्तों यहां पर वो केस बन रहा है जिसमें सोर्स मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। तो इसके लिए जो हम लोग का फॉर्मूला है, सॉल्यूशन देखिए इसका, न्यू डैश इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस न्यू। यहां न्यू जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और न्यू डैश क्या है जो है वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है या आभासी आवृत्ति है जो सुना जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 330 इधर 330 माइनस 33 इंटू 450, ये देखिए क्या दे देगा, 330 माइनस 297 उन्हें 450। इसे क्या करिए, आप तीन से कट कर दीजिए, तो 110 यहाँ का 99 यहाँ 450, 11 से कट करिए, तो 11 धाम 110, 11 नौ 99 और 9 से 45 कट होगा 50 बार में जाएगा, 50 गुने 10 करेंगे तो न्यू डैश की वैल्यू आ गई 500 हर्ट्ज। ठीक है, फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है, वैल्यू रख दिया, अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ही है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई और केस बनता है तो अलग वाला जो फॉर्मूला आएगा उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल ये तब का कंडीशन है जब श्रोता स्थिर हो और स्रोत गतिमान हो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। टू ट्रांसवर्स सिनुसाइडल वेव ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग, द स्पीड ऑफ ईच वेव इज 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड द एम्पलीट्यूड इज 3 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। द इक्वेशन ऑफ वेव इज, दो अनुप्रस्थ ज्या तरंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक ही डोरी में चल रहे हैं, प्रत्येक का वेग 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, आयाम 3 मीटर प्रति सेकेंड 3 सेंटीमीटर और तरंग दैर्ध्य 6 सेंटीमीटर है, परिणामी तरंग समीकरण होगा। अच्छा, सब कुछ सेम है, तो देख लो, पहले वाले के लिए y1 इक्वल टू हम लोग सपोज कर ले रहे हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए होता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए। अब वो कह रहा है विपरीत दिशा में चल रहे, तो अगर एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा तो दूसरा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा, उसके लिए y2 बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स। ठीक है भाई, इसको जरा ओपन करते हैं, तो जगह ए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ए तो भाई कॉमन हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी।
अभी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो ऐड हो जाएगा। तो मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूं, देखिए तो y इक्वल टू हो जाएगा, ऐड करना है y1 प्लस y2, अभी देखिए क्या होगा, a कॉमन हो जाएगा, a कॉमन हो गया, और देखो ये दोनों सेम टर्म है, कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ठीक है भाई। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू है तीन, तो तीन दुना के छः, साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी है उसको हम लोग लिख सकते हैं टू पाई अपॉन टी इंटू टी, और ये कॉस के की वैल्यू होती टू पाई अपॉन लैम्डा यक्स। अभी ये टी है, सोचिए टी क्या है, आवर्तकाल, और ये इसके बराबर होता है, एक पूरा चक्र कंप्लीट करने में चली गई दूरी और वेग का जो अनुपात होता है वो समय बराबर, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे इस जगह पर, तो जैसे सिक्स साइन टू पाई वी टी अपॉन लैम्डा कॉस टू पाई लैम्डा एक्स, वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन टू पाई को पाई रहने दीजिए, ये 0.5 दिया हुआ है, ये टी दिया हुआ है, और ये लैम्डा की वैल्यू है छः, इधर भी वही है टू पाई एक्स अपॉन सिक्स, तो आके जाएगा, देखिए यहां से 2 से 2 और 0.5 मिलके 1 हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 6 साइन पाई टी अपॉन 6 कॉस, अच्छा 2 से 6 कट जाएगा तो 3 पाई एक्स बाई 3, तो ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू स्ट्रिंग मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ आर स्ट्रेच बाई सेम टेंशन इफ देयर क्रॉस सेक्शनल डायमीटर आर इन द रेशियो 3:2 द रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज आर, एक ही पदार्थ से बनी समान लंबाई के तार को समान तनाव से खींचा जाता है यदि इनके परिच्छेद व्यास का अनुपात 3:2 हो तो उनकी मूल आवृत्तियों का अनुपात होगा। अच्छा तो हम क्या करते हैं, हम पहले उनका वेग निकाल लेते हैं v1 और v2, v इक्वल टू होता है t बाई m, लेकिन ये जो m है ये मास पर यूनिट लेंथ होता है, यानी एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये कोई गलत नहीं होगा, मास पर यूनिट लेंथ एकांक लंबाई में द्रव्यमान। इसी तरीके से ये वाला भी हो जाएगा टी, मान लो लंबाई तो सेम है लेकिन द्रव्यमान का तो कोई सीन नहीं है सेम कि दोनों सेम होना चाहिए, तो यहां हो जाएगा एम टू बाई एल, इसको लिख सकते हैं टी एल अपॉन एम वन, और इसको लिख सकते हैं टी एल अपॉन एम टू। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को भाग दे देते हैं, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में m2 अपॉन में m1, क्यों, क्योंकि t और l तो बराबर है, कट जाएंगे। अब m इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे के घनत्व, तो आयतन हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर l, और उसके बाद रो, इधर भी हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर l
इंटू रो, ये एम वन हो गया, ये एम टू हो गया। अब जरा एम वन एम टू का अनुपात हम लोग देख लेते हैं। तो एम वन एम टू का अनुपात में क्या आ जाएगा, जब डिवाइड कर देंगे तो देखो पाई से पाई कट गया, एल एल रो रो कट गया, क्योंकि समान पदार्थ है तो रो दोनों के लिए समान होगा। अब एम टू अपॉन एम वन की वैल्यू क्या हो गई, आर टू अपॉन आर वन, तो हम यहां रख सकते हैं अंडर रूट आर टू अपॉन आर वन, ठीक है। अब जरा देखो व्यास दिया हुआ है, तो व्यास होता है त्रिज्या का दो गुना, तो जब हम यहां दो करके स्क्वायर करेंगे, दो करके स्क्वायर करेंगे तब भी तो वो खत्म ही हो जाने वाला है, चार चार आएगा, चार चार कट जाएंगे, यानी वी वन अपॉन वी टू एक्चुअली में वही व्यास का अनुपात होता है जो त्रिज्या का होता है। और यहां से व्यास का अनुपात तीन संबंधित दो दिया है, लेकिन ये तो एम वन बाई एम अरे डी वन बाई डी टू होता, यानी आर वन बाई आर टू होता, यहां तो आर टू बाई आर वन है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए थ्री बाई अरे टू बाई थ्री, टू बाई थ्री का स्क्वायर, ठीक है, यानी टू बाई थ्री बाहर आएगा, ठीक है, टू बाई थ्री बाहर आएगा। अब टू बाई थ्री बाहर आ गया, टू बाई थ्री बाहर आ गया, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन है कि उनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए। अब जरा सोचिए v इक्वल टू n लैम्डा होता है, n लैम्डा, तो v1 वन इक्वल टू एन लैम्डा वन, अरे n1 वन लैम्डा वन लैम्डा, और v2 इक्वल टू हो जाएगा n2 टू लैम्डा। जब आप अपॉन करेंगे तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, और एन वन बाई एन टू इक्वल टू वी वन बाई वी टू, यानी दो रेश दो बटा तीन जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इन क्लोज आर्गन पाइप इज सेम एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन आर्गन पाइप इफ लेंथ ऑफ क्लोज आर्गन पाइप इज 30 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप इज, ठीक है। एक बंद आर्गन पाइप में प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति खुले आर्गन पाइप की प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति के बराबर है। यदि बंद आर्गन पाइप की लंबाई 30 सेमी है तो खुले आर्गन पाइप की लंबाई होगी। अच्छा तो देखिए प्रथम अधिस्वरक में दोनों की आवृत्तियां बराबर हैं तो दोनों के वेवलेंथ भी बराबर होंगे, यानी अच्छा देखो जो आपका बंद आर्गन पाइप है, या यहां इसको मिटा के बता दे रहा हूं, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं इसलिए बार बार मिटा मिटा के लिखना पड़ रहा है, तो आप तो नोट कर ही चुके होंगे। देखिए ये है बंद आर्गन पाइप के लिए लैम्डा वन इक्वल टू फोर एल बाई थ्री, तो इसे एल वन कर देते हैं, और ओपन आर्गन पाइप के लिए होता है एल, तो एल टू कर देते हैं। दोनों के जो फंडामेंटल अरे फर्स्ट ओवरटोन है बराबर हो जाएंगे, इसलिए लेंथ भी दोनों के आपस में बराबर होंगे, तो फोर एल वन बाई थ्री इक्वल टू एल टू। अब देखो एल टू ही तो हमें चाहिए, L1 की वैल्यू दे रखा है 30, तो यहां से कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी जो आपका खुला आर्गन पाइप है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अ स्टैंडिंग वेव हैविंग थ्री नोड्स एंड टू एंटी नोड्स इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग अ डिस्टेंस 1.21 एंगस्ट्रॉम बिटवीन देम, देन वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज,
1.21 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित दो परमाणुओं के बीच तीन निस्पंद और दो प्रस्पंद वाली अप्रगामी तरंग बनी है, तरंग दैर्ध्य होगी। अच्छा, तो देखिए यहां केस कौन सा बन रहा है, यहां पर यह केस बन रहा है एक वेव ऐसी हो गई एक निष्पंद ये हो गया, एक निष्पंद ये हो गया, एक निष्पंद ये हो गया, ठीक है। यानी थ्री नोड्स हो गए और टू एंटी नोड्स, एक एंटी नोड्स ये, एक एंटी नोड्स ये, ठीक है। अब देखो भाई, समझो ध्यान से, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो हाफ ऑफ वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ में एक साइकिल पूरी होती है, तो एक साइकिल तो पूरी यहां से यहां तक पूरी होती है, और एक एटम यहां रखा है, एक एटम यहां रखा है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1.21 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो चित्र से ही क्लियर हो जा रहा है कि देखो यहां से यहां तक जाएगा तब तो पूरी एक एक वेव उसकी कंप्लीट होगी। यानी यहां से यहां तक हो गया लैम्डा बाई टू, आधा वेव और आधा वेव लेंथ इधर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू 1.21 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा इक्वल टू 1.21 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्ट्रिंग ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ आर स्ट्रेच्ड बाय सेम टेंशन इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इन द रेशियो 9:4 देन रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज विल बी। तो देखो एक बार फिर से वही काम करेंगे, पुराना वाला वी वाला ना, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, v निकालेंगे, v1 इक्वल टू t मास पर यूनिट लेंथ, m1 हो जाएगा, v2 भी t m2 अपॉन l, v1 बाय v2 करेंगे, देखो सब कट जाएगा, m2 चला जाएगा ऊपर, m1 आ जाएगा नीचे। अब जरा देखो m2 और m1 को क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल गुणे लंबाई a1 l, ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दूसरे का वॉल्यूम डेंसिटी, रो रो कट गया। अब जो एरिया का रेशियो दिया हुआ है वो कितना है, 9:4, लेकिन बच्चे यहां सॉरी a2 अपॉन a1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि m2 अपॉन m1 है, तो ये हो जाएगा 4/9 यानी 2/3, ठीक है। अब v इक्वल टू n लैम्डा, तो v इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू n1 अपॉन n2, और ये भी आपका 2/3 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है टू साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर एंड 2.02 मीटर रेस्पेक्टिवली ट्रेवलिंग विद सेम वेलोसिटी आर सुपरपोज्ड ईच अदर इफ दीज प्रोड्यूस 2 बीट पर सेकेंड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव विल बी। दो ध्वनि तरंगे जिसकी तरंग दैर्ध्य 2 मीटर व 2.02 मीटर है एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तथा दो विस्पंद प्रति सेकेंड उत्पन्न करती हैं, दूसरी तरंग की आवृत्ति है। अच्छा ध्यान से क्वेश्चन सुन लिए हैं, अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल टू न्यू वन माइनस न्यू टू। अभी न्यू क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी है, तो ये दे रखा है कि दो, और न्यू इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन लैम्डा, तो न्यू वन में वी अपॉन लैम्डा वन और ये वी अपॉन लैम्डा टू, तो यहां क्या हो जाएगा, वी कॉमन कर लीजिए, वन अपॉन टू, लैम्डा वन की वैल्यू टू है और इसकी क्या है 2.02 है, तो टू इक्वल टू हो गया वी, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू
0.02 और यहाँ 2.02 माइनस 2। अब हम निकाल लेते हैं v, तो जाएगा 2 × 2 × 2.02 अपॉन, इसमें से 2 चला जाएगा तो 0.02। ठीक है, अब देखो भाई हुआ क्या, इन दोनों में से ऊपर नीचे 100 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 100 से दोनों पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ का डेसिमल हट जाएगा, यहाँ का डेसिमल हट जाएगा और नीचे हो गया केवल 2, एक 2 से 2 कट गया और ये हो गया 404 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरे तरंग की आवृत्ति पूछा है न्यू 2, तो न्यू 2 इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा 2, 404 अपॉन 2.02, यहां से 100 से ऊपर नीचे गुणा करिए 100 और नीचे जो 100 से गुणा हुआ वो इसको 202 बना दिया, ये दो बार में कट कर देगा, 2 × 2 यानी 200 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ फार डज द साउंड वेव ट्रेवल्स इन एयर व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज मेक्स 64 वाइब्रेशन, वीएस मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 320 मीटर पर सेकेंड, एक स्वरित्र जिसकी आवृत्ति 256 हर्ट्ज है 64 दोलन में ध्वनि तरंग वायु में कितनी दूर जाएगा यदि ध्वनि तरंग की वायु में चाल इतनी दे रखी है। अच्छा देखो, चौसठ दोलन पहले ये दे रखा है आवृत्ति, यानी 256 दोलन हो रहा है एक सेकेंड में, तो एक दोलन कितने में होगा, 1/256 सेकेंड, तो 64 दोलन कितने में होगा, 64 अपॉन 256, ये चार बार में कट जाएगा और 1/4 का मतलब हो गया, चलो 1/4 ही रहने देते हैं, इतना सेकेंड लगेगा। अब देखो समय मिल गया, ये दिया हुआ है आपका दूरी दे दी, अरे सॉरी समय मिल गया, चाल दिया हुआ है, दूरी आपसे पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुड़े समय, चाल है 320, समय है 1/4, भाग दे दोगे 80 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो 64 दोलन में 64 वाइब्रेशन कितनी दूर चलेगा, 80 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन है, इन ओपन आर्गन पाइप, यार ओपन गलत लिख दिया हूं मैं, कोई नहीं आप लोग बना लीजिएगा उसको, इन ओपन आर्गन पाइप द पॉसिबल हार्मोनिक्स विल जनरेट, खुले आर्गन पाइप में संभावित हार्मोनिक्स उत्पन्न होंगे, तो दोस्तों याद कर लीजिए खुले आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों संनादी होते हैं, ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, जबकि अगर क्लोज आर्गन पाइप रहेगा तो उसमें केवल ऑड यानी विषम संनादी उत्पन्न होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑड एंड इवन बोथ हार्मोनिक्स, यानी सम व विषम दोनों संनादि, हार्मोनिक्स को संनादि भी कहते हैं। ठीक है, आज का दसवां और आखिरी क्वेश्चन, द वेव इक्वेशन इज गिवन बाय वाई इक्वल टू 0.05 साइन 80x-3t, द फ्रीक्वेंसी इज, हालांकि क्वेश्चन बड़ा था पर मैंने शॉर्ट करके लिखा है ताकि जो जरूरत की चीजें वो आपको मिल जाए, एक तरंग समीकरण इससे प्रदर्शित है आवृत्ति होगी। ठीक है, तो ये मत सोचना इतना छोटा क्वेश्चन कहां से आ गया, ये क्वेश्चन है, बस वो मैंने उसको घुमा फिरा के लंबा चौड़ा बना के नहीं लिखा हूं ना भाई, वो आप भी पसंद नहीं करते हो और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लिखने में बड़ा हाथ पर दर्द करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखिए, अच्छा इसकी तुलना ऐसे कर देते हैं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, लेकिन यहां के एक्स माइनस ओमेगा टी है,
तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई भाई, ओमेगा की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, आवृत्ति। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πn इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू क्या जाएगा 3/2π। हो गया ना आसानी से, अरे यार आसानी हो सही होगा। अब देखो 2 × 3.14। अब आप कहोगे सर आज के लिए हम लोग का होमवर्क तो आप दिए ही नहीं, तो आपका होमवर्क यही है कि इसी को कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिएगा कि वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इतना उम्मीद मैं सबसे कर रहा हूँ भाई, इस बार तो नया क्वेश्चन भी नहीं दिया, बस इसको सॉल्व करके मुझे बता देना कितना आंसर आया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों अब से जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है ये तब तक चलेगा जब तक ये भी खत्म ना हो जाए। 2 दिन का गैप लिया था कि थोड़ा रिलैक्स में हो गया और आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। अब शुरू करते हैं जब ये 11th वाला, और यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कंफ्यूजिंग है, तो दोस्तों बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और वीडियो लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।